ये फायरबोल्ट इनविजिबल प्लस स्मार्ट वॉच आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपनी स्मार्ट वॉच के सारे सेंसर्स चेक कर सकते हो कि क्या वो वर्किंग है या फिर नहीं। मतलब आप किस तरीके से अपनी स्मार्ट वॉच के डेवलपर ऑप्शन में जा सकते हैं। ये ऑप्शन आपको ज़्यादातर सभी स्मार्ट वॉच में देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने नोटिफिकेशन पैनल को डाउन करना है। ये मैं बात कर रहा हूँ फायरबोल्ट इनविजिबल प्लस की, लेकिन ये ऑप्शन आपको सब में मिल जाएगा। आपको राइट स्वाइप करना है और यहाँ पर आपको मिलेगा सिस्टम इन्फो, आपको इस पर क्लिक करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादातर सभी स्मार्ट वॉच में मिल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर 7 times टैप करना है और यहाँ पर आपका ये ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर आपको ये सारे सेंसर दिखाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं LCD, CTP, G सेंसर, स्टेप्स, ट्विस्ट, वाइब्रेट, HR, लाइट लीक, स्पीकर, माइक, ऑटो टेस्ट, की, पावर ऑफ, रीसेट। अब मैं आपको 1 by 1 करके बताऊंगा कि किस तरीके से आपको चेक करना है। सबसे पहला है LCD, स्मार्ट वॉच का जो पैनल है वो वर्क कर रहा है नहीं, या फिर वो सारे कलर प्रोड्यूस कर रहा है या फिर नहीं, उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको टैप करते रहना है और यहाँ पर आपको कलर शो होंगे, तो देखना है कि क्या ये सारे कलर अच्छे से प्रोड्यूस कर रही है या फिर नहीं। तो इसमें आपको मिलता है वाइट, रेड, ग्रीन, ब्लू और ब्लैक। उसके बाद आपको बैक आ जाना है। उसके बाद मिलेगा आपको CTV, मतलब आपकी जो डिस्प्ले है क्या उसके सारे कॉर्नर सही से टच हो रहे हैं या फिर टच वर्किंग कर रही है या फिर नहीं। आप इसको इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। आप कहीं भी टच करोगे तो वहाँ पर आपको इस तरीके से लाइन शो हो जाएंगी। तो अगर जो आपकी स्मार्ट वॉच में कोई भी टचिंग इशू आ रहा है तो आप यहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं कि या टच में कहीं प्रॉब्लम आ रही है या फिर नहीं, किसी कॉर्नर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बैक आ जाएंगे। उसके बाद जी सेंसर, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, वो वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं। आपको स्मार्ट वॉच को इस तरीके से रोटेट करना है या फिर एंगल चेंज करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सिस चेंज हो रहे हैं। इट मीन्स जायरो सेंसर एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है इस स्मार्ट वॉच में। बैक आ जाएंगे। उसके बाद स्टेप्स, स्टेप्स पर करके आप स्टेप्स चलकर देख सकते हो। अगर जो आप इसको चलाओगे, मतलब इस वॉच को लेकर चलोगे, तो यहाँ पर आपको स्टेप्स की काउंटिंग होती रहेगी। जैसे मैं अभी चलता हूँ, थोड़ा वापस आता हूँ दोबारा से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 29 स्टेप्स आ चुका है। तो बैक आ जाना है। उसके बाद है ट्विस्ट, इस पर क्लिक करना है। ये आपका रेस टू वेकअप वाला फीचर है, मतलब जब आप स्मार्ट वॉच को इस तरीके से ट्विस्ट करते हैं तो ये काउंट हो गया या फिर नहीं। देखो एक बार यहाँ पर काउंट हो गया, तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं कि रेस टू वेकअप फीचर आपका अच्छे से वर्क कर रहा है या फिर नहीं। वाइब्रेट पर क्लिक करना है। उसके बाद स्टार्ट पर क्लिक करना है, तो आपकी स्मार्ट वॉच रेगुलर वाइब्रेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसको स्टॉप कर लेना है, बैक आ जाना है, वाइब्रेट भी हो रहा है। HR मोनिटर पर क्लिक करना है। उसके बाद ये सेंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्क करना स्टार्ट कर देगा, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद लाइट लीक, लाइट लीक क्या है, जो आपके सेंसर हैं ग्रीन, रेड, इंफ्रारेड, ये जो सेंसर हैं ये कितनी लाइट आप देख सकते हैं एमिट कर रहे हैं। अगर जो मैं यहाँ पर गैप रखता हूँ तो यहाँ पर देखिए आप रीडिंग कितनी है। अगर जो मैं इसको पास ले आता हूँ या फिर अगर जो मैं यहाँ पर हाथ रख लेता हूँ तो आप देख सकते हैं रीडिंग एकदम से चेंज हो गई है। उसके बाद ऊपर करोगे तो स्पीकर, माइक, स्पीकर पर क्लिक करोगे, स्टार्ट पर क्लिक करोगे तो स्मार्ट वॉच का स्पीकर बजना शुरू हो जाएगा। उसके बाद माइक, यहाँ पर क्या आप कुछ भी बोलोगे तो ये उसको रिकॉर्ड करके आपको सुनाएगा। जैसे मैं स्टार्ट पर क्लिक करता हूँ फिर बोलूँगा हेलो वेलकम बैक टू PQR Tech। अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। अब जैसे मैं यहाँ पर प्ले पर क्लिक करता हूँ, वेलकम बैक टू PQR Tech। अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। तो इस तरीके से आप अपने माइक को टेस्ट कर सकते हैं। ऑटो टेस्ट, ये क्या अपने आप सारे टेस्ट जो है अपने आप खुद टेस्ट करके बताएगा आपको कि क्या चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, फिर सारे सेंसर वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं। कि ये कुछ सिस्टम से रिलेटेड है, और बाकी पावर ऑफ, यहाँ से आप पावर ऑफ कर सकते हैं या फिर रीसेट आपको करना हो। तो ये सभी स्मार्ट वॉच के आपके सेंसर्स हैं जिनको आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपकी स्मार्ट वॉच में वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं। आप किसी भी स्मार्ट वॉच की जब सेटिंग में जाएंगे और अबाउट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर सभी स्मार्ट वॉच में ये ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद आपको 7 बार टैप करना है और आपको इस तरह का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। किसी किसी में आपको इस तरह का ऑप्शन मिलेगा और किसी किसी स्मार्ट वॉच में आपको ऑटो टेस्ट वाला मिलेगा, मतलब वो सारे टेस्ट खुद से परफॉर्म करेगा। तो होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप अगर जो आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।